हेलो गाइस, दिस इज़ विवेक और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ कम्यूटेटर के ऊपर। ठीक है, कम्यूटेटर क्या होता है? अगर हम एक डीसी जनरेटर के बारे में बात करें तो एक डीसी जनरेटर का अगर आप इंटरनल ईएमएफ देखें तो वह एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है कुछ इस तरीके से। तो एक कम्यूटेटर उसे मदद करता है उस एसी वेवफॉर्म को डीसी में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यह कम्यूटेटर किस तरीके से एक एसी वेवफॉर्म को डीसी में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। कई बार इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बुलाया जाता है इसके काम की वजह से। तो आइए देखते हैं। तो यह हमारा एक पिक्चर है, एक आप कह सकते हैं कि एक जनरल फिगर है जिससे हम एक मोटर को लीनियर करके देख रहे हैं। यानी कि एक मोटर क्या होता है, एक मोटर हमारा दिखने में कुछ इस तरीके से गोल होता है। ठीक है, यहाँ कंडक्टर्स लगे रहते हैं, मान लीजिए ये कंडक्टर्स हैं सारे। तो इसे हम लीनियराइज कर दें, यानी अगर हम यहाँ से बीच से इसे काट करके अगर फैला दें तो वो हमें एक लाइन की तरह दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वो हमें एक लाइन की तरह दिखेगा जिसमें हम सारे कंडक्टर्स को कुछ इस तरह से अपने सामने देख पाएंगे। ठीक है, तो हम उसी तरीके के एक पिक्चर का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो यह एक मोटर का सेक्शन है, तो इसे हमने लीनियराइज किया है। अब इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। ये हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, ये सारे जितने भी हैं, 1 2 3 4 नंबर दिए हुए हैं इन्हें। और ये है हमारा कंडक्टर बार, या इसे हम कम्यूटेटर बार भी कहते हैं। ठीक है, और ये है हमारा ब्रश। तो आइए देख लेते हैं कि हम क्या एजम्पशंस ले रहे हैं। पहला एजम्पशन ये है कि द आर्मेचर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दस आर्मेचर कंडक्टर्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये मानते हैं कि ये मोटर हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसे लीनियराइज किया है, इसका मतलब होगा कि अगर हम इसे देखें तो ये ऐसा लगेगा कि ये कंडक्टर बार्स जो है लेफ्ट से राइट की तरफ में जा रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ब्रश फिक्स्ड है तो इसलिए क्या होगा कि ऐसा भी लगेगा कि ये ब्रश जो है उल्टी दिशा में जा रहा है। तो हमारे कंडक्टर बार्स क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ में आ रहे हैं और ब्रश फिक्स्ड है, इसलिए ऐसा लगेगा कि ब्रश शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट की तरफ में। सेकेंड अजम्पशन जो हमारा है वो यह है कि लेंथ ऑफ द ब्रश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर बार्स। तो हाँ, यह हमारा ब्रश है, ब्रश का जो लेंथ होगा वो हमारे आर्मेचर कंडक्टर बार्स या कम्यूटेटर बार्स के इक्वल होगा। ठीक है, द इंसुलेशन बिटवीन टू कंडक्टर बार इज नेग्लिजिबल। यानी कि दो कंडक्टर बार जो है इनके बीच का जो इंसुलेशन होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई इंसुलेशन नहीं है, ऐसा हम आइडियल केस में यहां मानेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। यहां पर हम एक केस लेते हैं जहां पर ये ब्रश जो है कंडक्टर बार ए से कनेक्टेड है और ये है हमारा कंडक्टर वन। तो इंटरनली क्योंकि ईएमएफ जनरेटेड है तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे एक हमारा लोड मान लीजिए इस तरीके से कनेक्टेड है, तो कोई भी और कंडक्टर बार से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ सभी में जनरेटेड है लेकिन किसी भी और कंडक्टर बार में ब्रश या लोड कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी करंट इन सब किसी भी कंडक्टर्स में से फ्लो नहीं करेगा। सिर्फ कंडक्टर वन और टू यहाँ पर कंडक्ट करेंगे क्योंकि इन्हीं दोनों के टर्मिनल्स को यहाँ पर ब्रश ने शॉर्ट किया है इस वक्त। ठीक है, और इस ब्रश से हमारा लोड कनेक्टेड है तो आई अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करेगा, और क्योंकि ईएमएफ सारे जगह में इक्वली जनरेटेड है तो सेम आई अमाउंट ऑफ करंट यहां से भी फ्लो करेगा। इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि ये आई और ये आई इस पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ एड हो जाएंगे और जो करंट इस ब्रश से निकलेगा वो 2I अमाउंट ऑफ करंट होगा। ठीक है, तो इस लोड से 2I अमाउंट ऑफ करंट जाएगा इस केस में। अब हम ये मानते हैं कि ये क्योंकि ये कंडक्टर लेफ्ट राइट की तरफ में शिफ्ट कर रहा है तो शिफ्टिंग की वजह से जो ब्रश है हमारा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ, आई अमाउंट ऑफ करंट अभी भी यहां से आ रहा है लेकिन अब क्या होगा कि ये आई अमाउंट ऑफ करंट कुछ यहां से चला जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ करंट मान लीजिए के अमाउंट ऑफ करंट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ब्रश में से हमारा कितना करंट जाएगा यहाँ, आई माइनस के अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम कंडक्टर वन,
और के अमाउंट ऑफ करंट जो हमारा है इस कंडक्टर से घूमते हुए उल्टी दिशा में यहां पर आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये बार बी से भी कनेक्ट हो चुका है और कंडक्टर थ्री भी बी से कनेक्टेड है, तो आई अमाउंट ऑफ करंट कंडक्टर थ्री से भी हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि लोड यहाँ पे भी कनेक्टेड है अभी भी, तो कंडक्टर थ्री जो है अब लोड से कनेक्ट हो चुका है, तो करंट आई जो है कंडक्टर थ्री से भी फ्लो करेगा, और ये के अमाउंट ऑफ करंट जो है ये इस आई के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ से आई प्लस के अमाउंट करंट फ्लो करेगा। तो कंडक्टर वन से हमारा आई माइनस के फ्लो कर रहा था, और टू और थ्री के कंडक्टर करंट को अगर हम जोड़ लें तो ये आई प्लस के हो जाता है। तो टोटल करंट जो हमारा होगा आई माइनस के प्लस आई प्लस के, अगर के को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ भी हमें टू आई अमाउंट ऑफ करंट ही देखने मिलेगा पहले की तरह ही। अब हम तीसरा केस लेते हैं जब ब्रश थोड़ा और शिफ्ट कर गया है लेफ्ट की तरफ में, और अब ये बिल्कुल बीचों बीच में है, ठीक है, और इसे हम कहेंगे कि दिस इज शॉर्ट सर्किटिंग कंडक्टर टू, यानी कि कंडक्टर टू को जो है ये हमारा शॉर्ट सर्किट कर रहा है, ठीक है, यानी ये ब्रश जो है कंडक्टर टू को शॉर्ट कर दिया है। ऐसे केस में कंडक्टर टू से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ कंडक्टर थ्री से आई अमाउंट ऑफ करंट और कंडक्टर वन से आई अमाउंट ऑफ करंट यहां पर फ्लो करेंगे, ठीक है, और टोटल करंट जो यहां पे भी होगा वो टू आई अमाउंट ऑफ करंट ही होगा, ठीक है, यहां पर भी हमें टू आई अमाउंट करंट मिलेगा। कंडक्टर टू से कोई करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, अभी अभी मैंने बताया कि जो इंटरनली जनरेटेड ईएमएफ या करंट होता है वो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऑल्टरनेटिंग होने की वजह से अगर हम पहले केस में देखें, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि पहला केस में मान लीजिए यहां पर ये मैक्सिमम करंट था कंडक्टर टू पर, ठीक है, यहां पर, तो यहां पे ये आई अमाउंट ऑफ करंट था, धीरे धीरे अब ये नीचे की तरफ गिरने लगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ जब गिरने लगा इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर में से करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर गया, यानी ये के अमाउंट आप देख सकते हैं रिवर्स कर गया, और उसके बाद जाते जाते ये जीरो पे पहुंच गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट केस में क्या हुआ, पहले हमारा जो करंट था वो मैक्सिमम था, फिर धीरे धीरे नीचे आया और अब ये रिवर्स होकर टोटल जीरो हो चुका है, इसलिए कंडक्टर टू से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमारा ब्रश जो है इसे शॉर्ट सर्किट कर दे रहा है। और फोर्थ कंडीशन में हम देखेंगे कि टोटल करंट का रिवर्सल हो चुका है, यानी कि जो करंट है हमारा अब वो टोटली मैक्सिमम रिवर्स कर चुका है कंडक्टर टू से, ठीक है, इसलिए करंट का डायरेक्शन पहले के अपेक्षा चौथे केस में अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर भी आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर बी से, और कंडक्टर थ्री से भी हमारा आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, तो यहां पर हमारा फोर्थ केस में भी क्या हो जाएगा, टोटल करंट टू आई हो जाएगा। तो इस तरह से कॉम्यूटेटर जो है हमारा काम करता है, और आप देख सकते हैं कि हर केस में ही टू आई अमाउंट ऑफ करंट ही हमें मिल रहा है, यहां पर भी जब ये थोड़ा सा शिफ्ट किया तो भी टू आई, जब ये बीचों बीच में आ गया तो भी टू आई, और जब ये पूरा कंडक्टर बी के साथ में शॉर्ट कर गया तो भी टू आई। इस केस में कंडक्टर वन से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि कंडक्टर वन किसी भी तरीके से ब्रश से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कम्यूटेटर जो है आप देख सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द इनपुट सिग्नल, इररिस्पेक्टिव कि एसी है या कैसा वेव फॉर्म है, ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें डीसी करंट दे रहा है, डीसी की वैल्यू क्या है, टू आई, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंस में ये करंट कुछ इस तरीके का नहीं होता, प्रैक्टिकल सेंस में ये करंट हमारा कुछ इस तरह से रिपल्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लॉसेस होते हैं और हमने जो एजम्पशंस लिए हैं ये टोटली करेक्ट नहीं होते इन प्रैक्टिकल सेंस, तो हमें जो करंट मिलता है उसमें रिपल्स रहते हैं, बट दीज आर स्टिल डीसी करंट, यानी कि ये अभी भी डीसी करंट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कम्यूटेटर जो है हमें मदद करता है करंट ये डीसी में कन्वर्ट करने में। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी ब्रश किसी कंडक्टर को शॉर्ट करता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि उस कंडक्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसने कंडक्टर टू को शॉर्ट किया है तो इस वक्त कोई भी करंट जो है कंडक्टर टू से फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह अगर ये बी और इस मान लीजिए यहाँ पर अगर सी कंडक्टर पार, हम इसे सी नाम देते हैं, तो अगर ये ब्रश यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, अगर ये ब्रश कुछ इस तरीके से होता तो कंडक्टर थ्री से उस वक्त कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा,
ठीक है। तो ये ऐसा, ये मतलब इस तरीके से हमारा मैकेनिकल जो डिज़ाइन है किया जाता है कम्यूटेटर का, कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट मतलब रिवर्स होने वाला रहता है, यानी कि जैसे कि आपका मैक्सिमम जा करके जीरो पर पहुंचा है, एट दैट मोमेंट ये जो कंडक्टर बार है हमारा उसे शॉर्ट कर देता है, ठीक है, या सॉरी जो हमारा ब्रश है ये उसे शॉर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ हमने देखा कि इस केस के बाद में क्या हो रहा है, ये जो कंडक्टर टू है यहाँ पर हमारा करंट जीरो होकर के रिवर्स होकर मैक्सिमम आई तक पहुँच गया है। इन प्रैक्टिकल सेंस ऐसा नहीं होता है, ये आई से कुछ अमाउंट कम रहता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये हमारा लेंज लॉ है, ठीक है, यानी सम बैक ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कितना बैक ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम एल मान लेते हैं कि इंडक्टेंस है इन कॉयल्स का, तो चेंज इन करंट कितना हो रहा है हमारा, चेंज इन करंट हो रहा है मान लीजिए आई अमाउंट ऑफ करंट था पहले और मैं अब रिवर्स होके कितना हो गया है माइनस आई, तो चेंज इन करंट हमारा हो जाता है यहाँ से आई माइनस ऑफ माइनस आई, दैट इज टू आई, ठीक है। तो हमारा जो चेंज इन करंट है वो टू आई हो जाता है। और अगर हम मान ले कि यहाँ पर टू आई कितने देर में होता है, तो जितनी देर ये शॉर्ट किए रहता है, जितनी देर ये ब्रश जो है शॉर्ट सर्किटेड रहता है इस कंडक्टर के साथ, तो इस टाइम को अगर हम टी सी मान लें, ठीक है, टाइम ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है, टाइम ऑफ कम्यूटेशन ऑफ द सेकेंड कंडक्टर, तो अगर इसे हम टी सी मान लेते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, दैट इज माइनस एल टू आई अपॉन टी सी, तो ये हमारा बैक ईएमएफ होगा, ठीक है, यानी द एक ईएमएफ जो है वो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा, ठीक है। इस अपोजिट डायरेक्शन की ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हमारे इस मेन करंट को यानी मैक्सिमम रिवर्स करंट आई को अपोज करेगा, इसकी वजह से जो करंट जो हमारा है यहाँ पर कुछ अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो इस करंट के कम हो जाने के वजह से इस टर्मिनल पे क्या होगा, क्योंकि इधर से जो करंट आ रहा है वो हमारा कुछ अमाउंट कम है, इधर से जो करंट हमारा आ रहा है वो टोटल मैक्सिमम आई अमाउंट ऑफ करंट है, इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर स्पार्क होगा, ठीक है, यहाँ पर स्पार्क होता है। इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ कॉम्यूटेशन प्रॉब्लम, यानी कि ये यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पर कॉम्यूटेशन को इम्प्रूव करना जरूरत है, यानी कि स्पार्कलेस कॉम्यूटेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्पार्किंग इसी वजह से होता है कि करंट जो है टेंड करता है टोटल रिवर्सल के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बैक ईएमएफ जो है इसकी वजह से एक रिवर्स करंट फ्लो करता है कंडक्टर टू में, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो करंट है यहाँ पर टोटल रिवर्स नहीं कर पाता, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के बाद टोटल रिवर्सल नहीं हो पाने की वजह से। और क्योंकि जो टाइम ऑफ कम्यूटेशन है ये बहुत कम होता है, अगर आप एक स्पीड में घूमते हुए जनरेटर की बात करें या मोटर की बात करें, तो हमारा जो कंडक्टर बार्स होते हैं वो बहुत स्पीड में घूमते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो टोटली कम्यूटेशन कर पाए, और इसी के वजह से स्पार्किंग होता है, ठीक है, यहाँ इस ब्रश के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, और इम्प्रूवमेंट्स के डिफरेंट मेथड्स अपनाए जाते हैं। तो ये होता है कि हमारा स्पार्किंग यहाँ पे क्यों होता है, क्यों कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आता है, आर्मेचर रिएक्शन और जितने भी और प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा वर्किंग ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एक्चुअल मोटर का फिगर है, ये है हमारा ब्रश, ठीक है, ये हमारे कंडक्टर बार्स है या कम्यूटेटर बार्स जो हमें दिख रहे हैं, इस तरीके का दिखता है, ठीक है, यह हमारा कम्यूटेटर है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ब्रश कनेक्ट होता है और इस ब्रश से बाहर में हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्चुअल फिगर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, या आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम है विवेक, आपसे फिर मिलूंगा, धन्यवाद।